morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary from Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. So now we are going to discuss about the another part and the part number 5. And now we are going to see the next topic is magnetic field due to current in a solenoid. Magnetic field due to current in a solenoid. So first of all, we are going to understand what is solenoid. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि बेसिकली सोलेनोइड होता क्या है ना. तो व्हाट इज सोलेनोइड. तो यहाँ पे क्वेश्चंस है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट की वजह से सोलेनोइड के अंदर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोलेनोइड. सबसे पहले हम लोग सोलेनोइड को देख लेते हैं. स्टेट करंट कैरी का देख लिया हमने. देन आफ्टर हमने सर्कुलर का देख लिया. अब हम देखते हैं कि सोलेनोइड होता क्या है. तो सोलेनोइड इज अ कॉइल. सोलेनोइड एक ऐसा कॉइल होता है जहां पे मैनी सर्कुलर कॉइल को इंसुलेट किया जाता है. ठीक है. सोलेनोइड इज अ कॉइल वेयर मैनी सर्कुलर कॉइल इंसुलेटेड देयर. किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे अगर कई बार एक टर्न्स क्या होता है. ठीक है. क्या है सोलेनोइड इन अ कॉइल. सोलेनोइड होते हैं सोलेनोइड इज अ कॉइल. सोलेनोइड क्या एक कॉइल है. मैनी जहां पे क्या होता है कि मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. जहां पे एक कॉपर वायर का बहुत सारा टर्न्स होता है जो कॉइल होते हैं. तो सोलेनोइड का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर कॉइल जहां पे इंसुलेटेड कॉपर वायर का मैनी टाइप्स ऑफ टर्न्स जो कई बार एक टर्न्स क्या होते हैं है ना. तो बेसिकली जो इसकी मीनिंग्स होगी सोलेनोइड का वो क्या होगा कि सोलेनोइड इज अ कॉइल. सोलेनोइड एक पर्टिकुलरली एक कॉइल है. क्या एक कॉइल है. मैनी सर्कुलर उसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है. क्या होगा मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. मैनी सर्कुलर उसके अंदर क्या होगा बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर के. क्या होगा सोलेनोइड इज अ कॉइल. सोलेनोइड क्या है एक कॉइल है जिसमें मैनी सर्कुलर जिसमें एक बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स देखने को मिलेंगे. मैनी सर्कुलर टर्न्स होता है. मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. कौन सी वायर का तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक कॉइल है जहाँ पे कॉपर वायर का यहाँ पे टर्न्स किया गया है. ठीक है ना. ये आप इजीली देख पा रहे होंगे कि इट इज ये जो है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक टर्न्स किया गया है. एक नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पे किया है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो. तो सोलेनोइड का एक कॉइल है. सोलेनोइड इज अ कॉइल. सोलेनोइड का बेसिकली एक कॉइल है जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स टर्न्स किया गया है. ठीक है ना. तो ये चीजों को फोकस रखोगे आप. सोलेनोइड बेसिकली क्या है एक कॉइल है जहाँ पे कॉपर वायर का एक नंबर ऑफ टर्न्स किया गया है. ठीक है. रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर. एक सिलेंडर के शेप में क्या होगा एक सिलेंडर के शेप में कई बार नंबर ऑफ टाइम्स सर्कुलेट किया जाता है. उसके ऊपर जो सर्कुलेट करते हैं हम लोग है ना. नंबर ऑफ टाइम्स उसके ऊपर हम लोगों ने सर्कुलेट करके देखते हैं. नाउ एट द शेप ऑफ द सिलेंडर इन करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट. अब क्या होता है कि जो सोलेनोइड जो है वो सेम एज परफॉर्म करता है एक बार मैग्नेट के जैसा है ना. सोलेनोइड व्हिच इज परफॉर्म सेम एज अ बार मैग्नेट. तो जो सोलेनोइड होगा वो सोलेनोइड वहां पे क्या कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करेगा सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक एज अ बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट में क्या देखा आपने कि अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं. ठीक है. अगर ये बार मैग्नेट की बात करें है ना तो नॉर्थ और साउथ पोल होता है. ठीक है. तो क्या हो गया नॉर्थ और साउथ. तो हमने क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. ठीक है ना. तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है. ठीक है ना. ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट. तो यहाँ भी इस तरह का ही परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है. चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंट बताई गई है कि जो सोलेनोइड होता है सोलेनोइड व्हिच इज परफॉर्म इज सीन एज अ बार मैग्नेट. तो वो बार मैग्नेट की तरह सेम परफॉर्म करता है. क्यों. क्योंकि वहां भी आउटसाइड द मैग्नेट. अगर हम लोग मैग्नेट की बाहर की बात करेंगे आउटसाइड द अगर मैग्नेट की बात करते हैं. ठीक है. जैसे अगर नॉर्थ साउथ बनाया यहाँ पे
ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन अगर हमने हमने किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होगा। सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको नॉर्थ टू साउथ ही दिखेगा। क्या दिखेगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इनसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, मींस साउथ टू नॉर्थ दिखेगा। मींस आउटसाइड द मैग्नेट, जब मैग्नेटिक फील्ड, अगर बार मैग्नेट की बात करें तो आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मींस नॉर्थ टू साउथ। और यहां पे देखो, यहां भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको बार मैग्नेट का डायरेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? फील्ड एज अ बार मैग्नेट एंड एंड ऑफ सोलेनोइड बिहेव एज द नॉर्थ पोल, और एंड पे वो एक बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल को। कौन से पोल को बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल को बिहेव कर रहा है। क्या करेगा? नॉर्थ पोल को बिहेव कर रहा है। कौन से पोल को? नॉर्थ पोल को बिहेव कर रहा है, ठीक है, एज अ बार मैग्नेट। वन एंड सोलेनोइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड बिहेव एज साउथ पोल, और दूसरा ही जो बिहेव है वो साउथ पोल कर रहा है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखो कि ये नॉर्थ पोल में हमने दो एरो लिखा, एक ऐसे किया फिर ये ऐसे किया, ठीक है ना। अब इस तरह से कैसे पोल को डेवलप करते हैं हम लोग वो देखो कैसे है? अगर यहाँ पे, ठीक है ना, अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि एक बार जो करंट है स्टेट करंट स्टेट है तो इधर से जाएगा, ठीक है ना। सिंपल एक लॉजिकल यूज करना है कि पोल कैसे डेवलप होता है, किस तरह से आप पोल को डेवलप करते हो, ठीक है। कोई भी अगर आप यहाँ पे मैग्नेट को ले लो, ठीक है, आपने एक मैग्नेट को ले लिया, चलो ये हमने मैग्नेट को लिया, ठीक है, क्या लिया? नॉर्थ से साउथ। तो अब यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह की कॉइल को ले रहा है या कोई भी सर्कुलर कॉइल ले लो, चलो हमने सर्कुलर कॉइल ले लिया ये और ये ले लिया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर आपको, ठीक है ना, अब इसके अंदर अपने को ये हमने एक ले लिया, इस तरह से भी कर सकते हो आप, ये ब्रैकेट कर लो और एक बार करंट इधर जा रहा है और एक बार करंट क्या होगा इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कब होगा नॉर्थ पोल कब? अब देखो यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, फिर यहां से आपको दिखेगा, मींस एक बार यहां से करंट आएगा फिर यहां से इस तरह से हो जाता है, तो यहां पे नॉर्थ पोल दिखेगा आपको और यहां पे साउथ पोल डेवलप होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल में हम एक ऐसे ही लॉजिकली यूज करते हैं, साउथ पोल में भी हमने ऐसे ही क्या करेंगे, एक लॉजिक को यूज करेंगे और वो लॉजिक के बेस पे हम लोग, ठीक है, ठीक है। अभी ये देखो साउथ पोल हो गया, है ना। तो इस तरह से लॉजिकली अगर आप यूज करोगे तो आराम से इजीली, यहाँ पे देखो करंट इधर से गया फिर इस तरह से आया, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ से फिर बाहर हो गया, तो साउथ से कहाँ गया? नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो साउथ से इधर से आया, इधर से बाहर हो गया, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो गया, ये हो गया साउथ का, ये हो गया यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाता है और यहाँ पे जाता है नॉर्थ पोल का डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजों को वहां पे ध्यान रखना है। ये जो सोलेनोइड होता है, एक कॉपर का करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स राउंड किया जाता है, क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर राउंड करके रखते हैं। अब सोलेनोइड में सबसे बेसिकली चीज क्या है? कॉपर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। ये करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा, जो भी करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा, जो करंट को कैरी कर रहा होगा, किसको कैरी करेगा? अगर जस्ट लाइक अगर हम एक पार्टिकल बात करें तो जो करंट को कैरी करता है इसको कैरी करेगा, करंट को कैरी करेगा सोलेनोइड, प्रोड्यूस अप, वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? सिमिलर पैटर्न, क्या? सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो सिमिलर पैटर्न होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। वो कैसे प्रोड्यूस करेगा सिमिलर पैटर्न? अब वो बिल्कुल ही आपको एक बार मैग्नेट की तरह ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा एक बार मैग्नेट की तरह दिखेगा। वो बार मैग्नेट की तरह किस तरह से दिखेगा? जैसे वहां भी मैग्नेट के जो आउटसाइड मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो वहां भी क्या होता है? साउथ से, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ आने का, नॉर्थ से साउथ ही होगा, और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो
सेम थिंग यहाँ भी ऑपन होता है, यहाँ भी ये चीज रिलेटेड होगा कि चीजों को आप ध्यान से वहां पे देखोगे किस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होगा आउटसाइड द मैग्नेट, और सोलेनोइड भी सेम एज इसका डायरेक्शन भी परफॉर्म करता है कि मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट, और वो एक बार मैग्नेट की तरह दिखेगा, देखिएगा बार मैग्नेट की तरह वो परफॉर्म करेगा एंड वन एंड ऑफ सोलेनोइड, और जो एक एंड होगा सोलेनोइड का वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल एंड अदर विल बिहेव एज अ साउथ पोल, साउथ पोल अनदर बिहेव एज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सोलेनोइड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल होता है कहां पे, इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो देखो कि एक दूसरे का पैरेलल हो रहा है ठीक है ना, ये देखो ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपको डायरेक्शन दिखेगा क्या क्या दिखेगा, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखता है कहां पे, तो सोलेनोइड के अंदर व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो यहां पे ये आपको यहां पे इसके सारे पैरेलल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो व्हाट यू हैव बीन सीइंग दिस कि इनसाइड द मैग्नेट ठीक है ना, अगर फर्स्ट थिंग तो सोलेनोइड जो है वो बिहेव कर रहा है किसी तरह मैग्नेट की तरह, अब एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव करने के बाद मैग्नेट का नेचर हमने क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ, इनसाइड में क्या होगा साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड में क्या होगा साउथ टू नॉर्थ होगा, तो ये सेम थिंग सोलेनोइड ऐसे ही बिहेव कर रहा है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या देखा हमने कि जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो रहा है इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा सोलेनोइड में व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या होगा पैरेलल होता है इनसाइड सोलेनोइड एंड सिमिलर टू अ क्या हो गया द साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा सोलेनोइड के अंदर वो क्या होगा पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल, वो क्या होगा एक दूसरे का पैरेलल होगा, सिमिलर टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह ही होगा, which show that magnetic field is same as at all the point inside the solenoid, और वो आपको ये बताएगा कि each and every point पे जो magnetic field है, each and every point पे जो आपका magnetic field होगा वो same होगा, क्या होगा same होगा, क्यों same होगा, क्योंकि magnetic field जो है bar magnet का वो सारे ही magnetic field एक दूसरे के parallel है, तो due to the parallel of the magnetic field lies that showing the magnetic field direction is also be a same as at every point, आपको एक दूसरे के अगर आपको ये पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां का फाइंड करना है तो आप करके देख लो, obviously अगर आपने को ये पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड करना है तो करंट कैसे जा रहा है, यू इधर है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा वहां पे, डायरेक्शन बनेगा कि नहीं इस तरह से, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है कि इकन इस तरह से, बट इसके हम लोग रूल्स को अलग डिफरेंट रूल्स है, इन राइट हैंड थंब रूल से इजीली हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसको, अलग इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है रूल्स की हम लोग यूजेस करते हैं, बट यहाँ पे एक चीज देखना है कि दोनों ही मतलब एक चीज कन्फर्म करना है कि दोनों आप इसका करो तो इनका भी सेम कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मीन्स दोनों ही कंडीशन में जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम होगा, रीजंस क्या है व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ सेम एट एवरी पॉइंट इन अ सोलेनोइड ड्यू टू, एक ही रीजन है, क्या रीजन है, तो एक ही रीजन आपको जो ध्यान में रखना है उनके जो परफेक्ट रीजन है वो एक रीजन है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड द सोलेनोइड विल आल्सो बी अ पैरेलल, वो क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, दैट्स व्हाई सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज एट द पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, और किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो सोलेनोइड का जो डायरेक्शन होता है वो आपको सेम एज दिखेगा, क्या दिखेगा सेम एज दिखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक डायग्राम ड्रॉ करोगे और इसके बारे में आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, दैट्स ऑल, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज सोलेनोइड एक्सप्लेन अबाउट इट, सोलेनोइड क्या होता है इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो ठीक है ना, तो यही है सबसे पहले चीज कि सोलेनोइड क्या होता है, एक कॉपर जो एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड करता है, अगर दें नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक पर्टिकुलर कॉइल को कॉपर कॉइल को अगर नंबर ऑफ टाइम्स हम इंसुलेट करेंगे देन आफ्टर वो जो होगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने के बाद मैग्नेट का डायरेक्शन कैसा होता है सेम एज सोलेनोइड भी होगा, फिर उनके जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे वो भी सेम हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द सोलेनोइड, इतने सारे पॉइंट आपको सोलेनोइड के अबाउट में लर्न करना है, ओके थैंक यू।